राजपूत और वक्त हो रहा है सुबह 6 बजे का और दिन है शनिवार। आप देख रहे हैं समय का शुभ चक्र। मेरे साथ हैं पंडित प्रभाकर शास्त्री जी। आपके भविष्य के साथ साथ ये भी बताएंगे कि शनिवार को किन किन राशियों का लाभ प्राप्त होगा। स्वागत है आपका शास्त्री जी। राधे राधे सभी दर्शकों को मैं कहूँगा। और आज शनिवार है, भगवान हनुमान जी का ध्यान करते हुए कार्यक्रम को प्रारंभ करेंगे। ओम मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। शास्त्री जी, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन की। आज दिन शनिवार है। दर्शक जानना चाहते हैं कि आज का क्या करें या क्या ना करें, पूजा करते वक्त किसका ध्यान करें। जी, आज शनिवार का दिन है तो शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने का विशेष लाभ प्राप्त होता है। हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को सिंदूर और तेल चढ़ाएं। अब राशियों की बात करते हैं। शास्त्री जी, मेष राशि के बारे में बताएं। मेष राशि के लोगों को क्या क्या करना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए। जी, मेष राशि के दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, आज आप दूसरों से बात करते वक्त संतुलित विचार रखें। आपका स्वास्थ्य आज पहले से बेहतर रहेगा। अपनी सेहत के लिए आपको दिनचर्या में थोड़ा बदलाव लाने की जरूरत है। आप आज शारीरिक रूप से स्वस्थ का अनुभव कर सकते हैं। आप उन लोगों की तरफ वादे का हाथ बढ़ाएं जो आपसे मदद की गुहार करेंगे। आर्थिक मामलों में अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। छोटी मोटी बातों पर परेशान बिल्कुल ना हो, ज़्यादा ध्यान ना दें और अपने जीवन की खुशियों का आनंद उठाएं। मेष राशि के लोगों को किस रंग के कपड़ों को पहनना चाहिए, कौन सा रंग शुभ साबित होगा, क्या दान देना चाहिए। जी, मेष राशि के जातकों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि आपका भाग्यशाली दिशा दक्षिण दिशा है। भाग्यशाली संख्या आपका 5 नंबर है। आपका शुभ कलर हल्का नीला कलर है। अगर आप आज घर से बाहर किसी काम के लिए जा रहे हैं, नीला वस्त्र धारण करके घर से जाएं तो आपका कार्य अवश्य ही पूरा होगा। और आपके लिए उपाय है कि मंदिर में जा कर के दीपक जलाएं। आइए कर्क राशि के बारे में जानते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज आप स्वास्थ्य पर ध्यान दें, छोटी परेशानियों को घेरे रहेंगी। आज के दिन अपने निजी विचारों को छोड़कर दूसरों के विचारों पर भी ध्यान देने की सलाह है। घर के काम करते समय सकारात्मक रवैया रखें। कार्य क्षेत्र में धन पुरस्कार और सम्मान मिल सकता है। पैसे के मामलों में आपको दूसरों की सलाह पर चलने की बजाय अपने मन की बात सुनना चाहिए। कोई दोस्त आपसे पैसे मांग सकता है। वाणी पर समय रखने की ज़रूरत है। झुंझुलाहट से बचने के लिए शांत चित्त रहें। आज लोग आपकी वह प्रशंसा करेंगे जिसे आप हमेशा से सुनना चाहते थे। आपकी भाग्यशाली दिशा है पश्चिम दिशा। आपका भाग्यशाली संख्या है 4 नंबर। आपका शुभ रंग है भूरा कलर। और आप किसी भी काम के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो भूरे कलर का वस्त्र धारण करके जाएंगे तो आपका कार्य अवश्य ही पूरा होगा। आपके लिए उपाय है कच्चा दूध भगवान शिव को चढ़ाएं। आइए जानते हैं अब सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के जातकों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि आज आपके मन में नए नए विचार आएंगे। आप कुछ नए काम करने की सोच सकते हैं। उच्च अधिकारी आपके कौशल की तारीफ करेंगे। छात्र विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, उनके लिए यह बेहतरीन मौका है। परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा। लवमेट के साथ दिन अच्छा बीतेगा। कहीं लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं। आपको आर्थिक नुकसान उठाना भी पड़ सकता है, इसलिए यह ध्यान रखें कि ऐसे आने वाली मुसीबतों से निपटने के लिए आपके पास पर्याप्त धन तो होना ही चाहिए। भाग्यशाली दिशा आपकी पूर्व दिशा है। आपका भाग्यशाली संख्या नंबर 7 नंबर है। आपका भाग्यशाली रंग हरा कलर है। आप किसी भी काम के लिए अगर घर से बाहर जा रहे हैं तो हरा कलर का वस्त्र धारण करके जाएं, आपके लिए बेहतर होगा। और आपके लिए उपाय है पीला फूल चढ़ाएं भगवान श्री विष्णु जी को। शास्त्री जी, अगली राशि कन्या राशि है जैसे कि, तो हमारे दर्शकों को कन्या राशि के बारे में बताएं। जी, कन्या राशि के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि यदि आप अपने हाल ही के यात्रा कार्यक्रम के कारण परेशान हो चुके हैं तब आपको अपने अधिकारियों से बात करनी चाहिए जिससे आपको यात्रा संबंधित काम न दिए जाएं। इससे आप अपने काम पर ध्यान दें और सही प्रदर्शन कर पाएंगे। अपने सभी विकल्प
खुले रखें। आप पिछले कुछ दिनों से कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं, शायद कोई नई कार या बाइक, तो आज ये खरीदने के लिए आपका अच्छा दिन है। आर्थिक मामलों में आज का दिन आपके लिए अनुकूल हो सकता है। आज अपनी कार या बाइक का सही मॉडल का चुनाव कर सकते हैं। आपका भाग्यशाली दिशा पश्चिम दिशा है। आपका भाग्यशाली संख्या नंबर 8 है। भाग्यशाली रंग आपका नीला कलर है। आप अगर किसी काम के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो नीले वस्त्र का धारण करके जाएं, आपका कार्य अवश्य पूरा होगा। और उपाय है, आप भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं। आइए जानते हैं तुला राशि के बारे में। आज का दिन आपके लिए ऊर्जा से भरा होगा। व्यापार से सफलता का सूत्र बनेगा। आपके मन में परिवर्तन शीघ्र आएगा, जिससे आपका मन कुछ दुविधायुक्त रहेगा। वित्तीय स्थिति और खर्च में अच्छा संतुलन बना रहेगा। हालांकि आप खर्चीले साबित हो सकते हैं, परंतु तभी अप्रत्याशित स्रोतों से आय का सृजन होता है। आर्थिक दृष्टि से आपके लिए आज का दिन लाभदायी है। आज मित्र या परिवार के सदस्यों के साथ भोजन का आनंद उठा सकते हैं। आपका भाग्यशाली दिशा उत्तर दिशा है। भाग्यशाली संख्या नंबर 2 है। भाग्यशाली रंग सफ़ेद कलर है। अगर आप किसी भी काम के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो सफ़ेद कलर का वस्त्र धारण करके जाएं, आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। आपका कार्य अवश्य ही पूरा होगा। और आपका उपाय है, काले तिल मंदिर में जा कर के किसी ब्राह्मण को दान करें। आइए जानते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के दर्शकों के लिए मैं बताना चाहूँगा, आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा। बिजनेस में पार्टनरशिप से आपको फायदा हो सकता है। उच्च और बौद्धिक वर्ग में सम्मान मिलेगा। आज का दिन अपने परिजनों के साथ बिताएंगे, अपार खुशियां मिलेंगी। मैकेनिकल इंजीनियर को मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब का ऑफर मिल सकता है। आप अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए अग्रसर रहेंगे। लवमेट से कोई गिफ्ट मिल सकता है। दूसरों के लिए खराब नीयत रखना मानसिक तनाव को जन्म दे सकता है। इस तरह के विचारों से बचें, क्योंकि ये समय की बर्बादी करते हैं। भाग्यशाली आपकी दिशा दक्षिण दिशा है। भाग्यशाली संख्या आपका 6 नंबर है। भाग्यशाली रंग आपका नीला कलर है। अगर आप घर से बाहर किसी काम के लिए जा रहे हैं तो नीले वस्त्र का धारण करके जाएं, आपका कार्य अवश्य पूरा होगा। आपके लिए उपाय है, मंदिर में जाकर के किसी ब्राह्मण को घी दान करें, आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। अगली राशि धनु राशि है, तो पंडित जी दर्शकों को धनु राशि के बारे में कि आज का दिन उनके लिए कैसा रहेगा। धनु राशि के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज आपके लिए दिन कैसा रहेगा। विक्रय के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को अपने लक्ष्य को पूरा करने में कठिनाई हो सकती है और संभव है कि आज अधिकारियों की डांट भी खानी पड़ सकती है। आपको दिन के प्रत्येक क्षण में पूरी तरह से तैयार रहना होगा। यदि आप अपने घर में ही काम करते हैं तो आज व्यावसायिक परिसर की ओर से भी आपको जाना पड़ सकता है। विदेश से लाभ के समाचार मिलेंगे। यदि आपका विदेश ग्राहकों से लेना देना है तो आज का दिन आपके लिए फायदेमंद है। अपना उत्पादन और ज़्यादा बढ़ाने में लग जाइए ताकि ग्राहकों की मांग पूरी कर सकें। हाँ, गुणवत्ता में कोई समझौता मत कीजिए, नहीं तो लेने के देने भी पड़ सकते हैं। आपकी भाग्यशाली दिशा दक्षिण दिशा है। आपका भाग्यशाली संख्या नंबर 4 है। आपका भाग्यशाली रंग लाल रंग है। उपाय है, आपके लिए मंदिर में रोली चढ़ाएं। अगली राशि मकर राशि है। शास्त्री जी दर्शकों को मकर राशि के बारे में बताएं कि आज का दिन उनके लिए कितना लाभकारी होगा। जी, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज आपके लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज आपको किसी नई जगह पर अथवा किसी नए तरीके से पढ़ाई करने का अवसर मिल सकता है। जज्बाती होने के कारण आज आपके लिए छोटे छोटे मुद्दे भी तूल पकड़ सकते हैं। छोटी छोटी समस्याएं खुद दूर हो जाएंगी। आज आपको कोई बहुत महत्वपूर्ण सूचना भी मिल सकती है, जिससे आपका किसी समस्या को दूर करने के नज़रिया ही बदल सकता है। आज आप सामाजिक रूप से किसी समस्या को देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा। आज आप सामाजिक रूप से कुछ व्यस्त रहेंगे। दफ्तर के तनाव को घर में ना लाएं। मित्रों के साथ पार्टी या पिकनिक में आज का दिन बहुत ही अच्छी तरह से बीतेगा। भाग्यशाली दिशा आपकी पूर्व दिशा है। भाग्यशाली अंक आपका 1 नंबर है। भाग्यशाली संख्या आपका 1 नंबर है। भाग्यशाली रंग आपका नारंगी कलर है। आप किसी भी काम के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो नारंगी कलर का वस्त्र धारण करके आप जाएं,
और उपाय है हनुमान जी महाराज को आप सिंदूर चढ़ाएं, आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। तो शास्त्री जी, हाँ दर्शक हैं जो हमारे देख रहे हैं, उनमें कुछ दर्शक ऐसे भी होंगे जो पुरुष हैं, कुछ दर्शक महिलाएं भी हैं। तो हमारी जो दर्शक महिलाएं वो ये जानना चाहती होंगी कि हनुमान जी को सिंदूर महिलाएं चढ़ा सकती हैं या नहीं चढ़ा सकती, तो हमारे दर्शकों को इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी नहीं, हनुमान जी को महिलाएं सिंदूर न चढ़ाएं, हनुमान जी के पास जाकर के वहां प्रणाम कर लें उन्हें और हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो चलिए, अगली राशि हमारी कुंभ राशि है, कुंभ राशि के बारे में शास्त्री जी थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। जी, कुंभ राशि के दर्शकों को बताना चाहूंगा, आज का दिन व्यस्तता से भरा रहेगा, पूरा दिन घरेलू कार्यों में व्यस्त रहेंगे, आपको कोई गुड न्यूज मिलेगी, आपका मन प्रसन्न होगा, जीवन साथी की मदद से कोई जरूरी काम पूरा होगा, गाड़ी चलाते वक्त सावधानी बरतने की जरूरत है, नहीं तो आपको फाइन देना पड़ सकता है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, मेडिकल के स्टूडेंट प्रैक्टिकल पर ध्यान दें, घर से निकलते समय दही खाकर निकलें, कार्य सफल होंगे, इससे आपके परिवार की खुशी खत्म हो सकती है। अच्छा यही है कि परेशानियों का सामना दफ्तर में ही करें और घर पर पारिवारिक जीवन का आनंद लें। और आपके लिए बताना चाहूँगा, कुंभ राशि के जातकों के लिए आपके ऊपर शनि की महादशा चल रही है, आप शनिवार के दिन मंदिर में जा कर के शनिदेव की पूजा करें, उनको दीपक जलाएं और काले तिल का दान करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके भाग्यशाली दिशा उत्तर दिशा है, भाग्यशाली संख्या नंबर 9 नंबर है, भाग्यशाली रंग आपका लाल रंग है, उपाय है शनिदेव की पूजा विशेष करें। मीन राशि के जातकों के लिए बताना चाहूँगा कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। मीन राशि के जातकों के लिए कहूँगा कि आज आपको अपने पार्टनर के साथ ऐसे हालात का सामना करना पड़ सकता है जिसमें अपनी बात पर अड़े रहने की बजाय समझौते का रास्ता अपनाना आपके लिए बेहतर होगा। किसी ऐसे मुद्दे को लेकर आपके बीच विवाद हो सकता है जो आपसे अधिक आपके पार्टनर के लिए अहमियत रखता है, विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने की कोशिश करेंगे। आज आप खुद से ही सावधान रहेंगे क्योंकि आप जानते हैं किसी आर्थिक समस्या की भविष्यवाणी तो की नहीं जा सकती है, न ही वह बताकर आ सकती है। जैसे कार एक्सीडेंट हो जाए या पानी की कोई पाइप ही फट जाए। आपका भाग्यशाली दिशा पश्चिम दिशा है, आपका भाग्यशाली संख्या नंबर 5 नंबर है, आपका भाग्यशाली रंग पीला कलर है। आप घर से बाहर किसी काम के लिए जा रहे हैं तो पीले कलर का वस्त्र धारण करके जाएं और आप गाय को घास खिलाएं, आपके लिए बेहतर होगा। आगे बढ़ते हैं शास्त्री जी, वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा या कैसा रहने वाला है? शास्त्री जी ने अभी बताया कि सभी राशियों के बारे में कि सभी राशि के दर्शकों को क्या करना चाहिए, किस तरह से घर से बाहर निकलते वक्त क्या सावधानी बरतनी चाहिए। ये था सभी राशियों का हाल और आप देखते रहिए खबर टुडे न्यूज।